हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा ट्यूटोरियल्स। तो आज हम यहाँ करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और आज का टॉपिक है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया में स्टेट्स कैसे और किस आधार पर बनाए गए और इनकी जो बाउंड्रीज है वो कैसे तय की गई। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, उस समय इंडिया में स्टेट की बाउंड्रीज को इस प्रकार से तय करना था ताकि इनमें डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट लैंग्वेज का इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन उसका देश की एकता पर भी कोई असर ना हो, देश में यूनिटी बनी रहे और देश में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर रहे। देखिए, कॉलोनियल रूल के समय जब स्टेट्स की बाउंड्रीज को ड्रॉ किया गया था, तब शासन करने की फैसिलिटीज को देखते हुए या फिर अंग्रेजों के द्वारा जीते गए पार्ट को स्टेट के रूप में मान लिया जाता था। इसके अलावा किसी राजा के अधीन कितना पार्ट है उसको स्टेट माना जाता था। लेकिन अब जो गवर्नमेंट थी उसने लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल के आधार पर स्टेट बनाने का विचार किया। 1920 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में यह तय किया कि स्टेट्स को लैंग्वेज के आधार पर बनाया जाएगा और इसके साथ साथ कई कांग्रेस कमिटीज भी लैंग्वेज के आधार पर बनाई गई। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने ये फील किया कि अगर लैंग्वेज के बेस पर ये स्टेट बनाए गए तो देश की एकता को कहीं खतरा ना हो जाए, देश कहीं टूट ना जाए, क्योंकि फिर सभी स्टेट में एजुकेशन देने के लिए किस लैंग्वेज को अपनाया जाएगा या फिर प्रशासन के कामों को किस लैंग्वेज में किया जाएगा, इन सभी पर विचार करना बहुत ही जरूरी था। इसके साथ साथ ऐसा करने से सबका ध्यान सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम से हट ना जाए, और इसीलिए उन्होंने कुछ समय के लिए ही सही इस फैसले को टालने की सोची, क्योंकि अभी पिछले स्टेट की समस्या भी हल नहीं हुई थी। लेकिन कांग्रेस के द्वारा लिया गया डिसीजन वहां के लोकल लीडर्स और लोगों को अच्छा नहीं लगा। ओल्ड मद्रास में तेलुगु बोलने वाले एरियाज में लोग विरोध और आंदोलन करने पर उतर आए। देखिए, जो पुराना मद्रास था उसमें आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी शामिल था। यहां एक विशाल आंध्र मूवमेंट चलाया गया ताकि तेलुगु बोलने वाले एरिया से अलग आंध्र प्रदेश को बनाया जाए। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी लोग जैसे कि श्री रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई, और इससे वहां के स्टेट में और भी ज्यादा अव्यवस्था फैल गई, दंगे और हिंसा होने लगी, काफी बड़ी संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए, विधायकों ने रिजाइन कर दिया। एट लास्ट 1952 में प्राइम मिनिस्टर ने आंध्र प्रदेश बनाने की बात को अनाउंस किया। इसके बाद 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया ताकि स्टेट की बाउंड्रीज को दोबारा से ड्रॉ किया जा सके। देखिए, इस कमीशन की रिपोर्ट के बेस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास हुआ, और इसकी जो रिपोर्ट थी उसमें ये एक्सेप्ट किया गया कि डिफरेंट लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए स्टेट की बाउंड्रीज को तय किया जाएगा। मतलब स्टेट जो होंगे वो भाषा के आधार पर बनाई जाएंगे। इस प्रकार इस एक्ट के पास होने के बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। 1963 में नागालैंड को बनाया गया और 1966 में पंजाबी लैंग्वेज बोलने वाले एरियाज को पंजाब स्टेट बनाया गया। पंजाब स्टेट से अलग हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भी बनाया गया। उसके बाद 1972 में असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया, और इसी साल मणिपुर और त्रिपुरा को भी बनाया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को बनाया गया। इसके बाद क्षेत्रीय संस्कृति और विकास के आधार पर 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे स्टेट बनाए गए, और इस तरह से लैंग्वेज के बेस पर स्टेट को बनाना डेमोक्रेटिक ही था, क्योंकि यह लोगों की डिमांड थी। अब पॉलिटिक्स और पावर में केवल इंग्लिश बोलने वाले लोग ही नहीं आते, बल्कि दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी पावर में आते हैं। इन लोगों के लिए भी पॉलिटिक्स में आने का रास्ता अब खुल चुका है।
इस तरह से लैंग्वेज के आधार पर राज्य को बनाने से देश और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, एकता बनी रही है। इससे डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है। देखिए, इंडिया में डेमोक्रेसी को लाया गया है और इस डेमोक्रेसी का मीनिंग है कि भारत में जितने भी डिफरेंसेस है उन्हें पहचानना, उन्हें पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लेना और इन डिफरेंसेस को अपनाते हुए देश में एकता को बनाए रखना, अलग अलग लैंग्वेज को अपनाना, रिलीजियन, कास्ट, कल्चर और अलग अलग विचारों को एक्सेप्ट करना, यही डेमोक्रेसी और यही इंडिया की पहचान है। देखिए, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।